एक सामान्य मास्टर के जीवन जीने वाले पब्बा राम के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं जन जन तक, ढाणी ढाणी तक और हर घर में हर व्यक्ति से मेरा संपर्क है और वो दिल से मुझे प्यार करते हैं और इसी तरह से हम लोग इस चुनाव द्वंद्व के अंदर उतरने वाले हैं और विजय सी हासिल करेंगे माँ लटियाल की कृपा से। टिकट वितरण करने का ये जो थोड़ा सा समय लगा, विलंब हुआ, क्या वजह रही? विलंब तो कांग्रेस में भी अभी तक हो ही रहा है, अभी तक नहीं कोई पत्ते खुल नहीं रहे हैं। हमने तो उससे पहले हो गया, परंतु पिछली बार 50 दिन पहले टिकट घोषित हो गए थे तो हम लोग ढाणी ढाणी तक पहुंच गए थे, रेवेन्यू गांवों तक पहुंच गए थे, परंतु अब मेरे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के उन प्रतिबद्ध लोगों को मेरा निवेदन है कि हो सकता है हम लोग उन रेवेन्यू गांवों तक नहीं पहुंच पाए और हम सिर्फ पंचायतों तक पहुँच पाए, परंतु अपने कार्य के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी को अपने दिल में रखते हुए, कमल के निशान को अपने दिल में रखते हुए, नरेंद्र मोदी जी के उस आह्वान को ध्यान में रखते हुए और विश्व के अंदर भारत माता को विश्व गुरु के पद पर बिठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रवाद के प्रणाता नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कष्ट करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। कार्यकर्ता बात दिखाई दे रहे थे, बताएं सर, ये कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त और भारतीय जनता पार्टी से आशा लिए हुए ये कार्यकर्ता, मैं व्यक्तिगत फोन किया करता तो था, परंतु मैं आज कल मैं व्यक्तिगत फोन भी नहीं कर पाया। सोशल मीडिया के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिया और जिस प्रकार से जोश शो खरोश के साथ में वो जुलूस के साथ में यहाँ पर आए, मुझे आशीर्वाद दिया, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस ताकत के बल पर, उनके विश्व नेता के रूप में उभरने के बल पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सीट निकाल करके ले जाएंगे।